Hey guys, this is Anjusha. Welcome back to my channel. So in this video, I'm gonna unbox Spot Zero Royal Spin Mop by Milton. तो ये इस तरीके से रिसीव हुआ था. ये इसका रॉड है जिसे हमें असेंबल करना है. और चलिए इसके अंदर देखते हैं कैसा है. तो इस तरीके से हमें इसे असेंबल करना है रॉड को. और इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे ये स्टील का बास्केट दिया हुआ है जो कि आप निकाल के वॉश भी कर सकते हैं. और ये जो है वारंटी कार्ड है, इसमें 1 ईयर गारंटी लिखा हुआ है. बट ये तभी एप्लीकेबल है जब आपका कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो. और ये दिया हुआ है मॉपिंग डिस्क जिसे भी हमें असेंबल कर लेना है रॉड में. और ये 2 रिफिल्स दिए हुए हैं इसमें जिसे आप अलग अलग चीज़ें पोंछने के लिए यूज़ कर सकते हैं. लाइक एक किचन कैबिनेट्स और एक फ्लोर, ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं. और इसके रिफिल्स भी आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं. तो इस तरीके से ये अंदर से दिखता है. ये क्लीनिंग कंपार्टमेंट है और ऊपर वाला ये ड्राई के लिए है. और नीचे से ये इस तरीके से दिखता है. यहाँ एक छोटा सा बॉटल भी दिया हुआ है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं क्लीनर वगैरह रखने के लिए. और ये हैंडल के साथ भी आता है. और इस तरीके से आप इसे मूव भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें व्हील्स लगे हुए हैं. तो ये लिफ्ट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं इसे, जो कि बहुत अच्छी बात है. और नीचे यहाँ पे ड्रेनेज के लिए दिया गया है. इसे आप निकालेंगे तो यहाँ से जो है वाटर वो ड्रेन हो जाएगा कम्प्लीटली. तो इसकी जो क्वालिटी है मुझे काफ़ी अच्छी लगी. बहुत ज़्यादा स्टर्डी है. इसका जो ड्राइंग बास्केट है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है. तो क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है. और ये है इसका मॉप डिस्क जिसे हमें कनेक्ट करना है रिफिल के साथ. और इसके बाद इसे अटैच करने के बाद हम इसे पैर से स्टेप, मतलब पैर से सीधा या टेढ़ा कर सकते हैं. इसकी जो क्वालिटी है रिफिल की काफ़ी अच्छी है, काफ़ी थिक है, डेंस है. तो इस तरीके से हमें असेंबल कर लेना है. तो चलिए इसे यूज़ करके देखते हैं. तो यहाँ पे मैंने पानी भर लिया है, साथ ही आप क्लीनर वगैरह या फिर यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरीके से आप इसे मूव करके एक रूम से दूसरे रूम में लेके जा सकते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है अनलॉक लॉक बटन. तो जब भी आप इसे रिंग करें, बास्केट में घुमाएं, तब इसे आपको अनलॉक कर लेना है. और जब आप इसे मॉप करने के लिए यूज़ करें तो आपको उसे लॉक कर लेना है. तो अगर आप इसे अनलॉक नहीं करेंगे तो यह स्पिन नहीं होगा बास्केट में. सो इस चीज़ का ध्यान रखें, इसे आपको अनलॉक करने के बाद ही स्पिन करना है. तो यहाँ पर मैंने कर लिया अनलॉक और ये आसानी से रिंग हो रहा था. तो ये है क्लीनिंग कंपार्टमेंट. उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं ड्राइंग कंपार्टमेंट में. तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री में जो रॉड है उसे रख के स्पिन कर लेना है. ये आसानी से 2-3 बार में पूरा निचोड़ लेता है. उसके बाद हम इसे कर लेंगे लॉक. और इसमें जो भी पानी अब्सॉर्ब हुआ है वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में अब्सॉर्ब हुआ है. आप देख सकते हैं पानी वानी टपक नहीं रहा है. और बिल्कुल जितना हमें चाहिए फास्ट पोंछा लगाने के लिए, ताकि जल्दी से वो सूख भी जाए, उसी तरीके से है. एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा क्रॉकरी यूनिट के नीचे बहुत ही कम जगह है नीचे क्लीन करने के लिए, जहाँ पे जो नॉर्मल मॉप्स है वो नहीं जाते हैं. बट ये आसानी से चला जा रहा है. और डाइनिंग टेबल के एरिया में भी मुझे चेयर वेयर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. आसानी से अंदर तक जाके क्लीन कर ले रहा है. मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाती हूँ कि कितने अंदर तक ये पहुँच रहा है. तो ये देखिए पूरे अंदर तक ये जाके अच्छे से क्लीन कर रहा है. तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है. यू कैन डेफिनेटली ट्राई फॉर दिस. और जो दूसरा वाला रिफिल था उसे मैंने कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ किया है, क्योंकि हम ऊपर तक पहुँच नहीं पाते हैं. तो उसमें भी बड़ी आसानी हो गई. तो अब हम इसे करेंगे अनलॉक और फिर हम जो है क्लीनिंग कंपार्टमेंट में क्लीन कर लेंगे. और ये जो बास्केट है उसमें ड्राई कर लेंगे. ये जो बास्केट है आप इसे आराम से निकाल भी सकते हैं. इजी जो है आपसे निकल जाएगा और आप इसे वॉश भी कर सकते हैं ये स्टील के रिंगर को. तो चलिए थोड़ा सा जूस यहाँ पे गिरा के मैं टेस्ट करती हूँ कि ये अब्सॉर्ब कर रहा है या नहीं. तो देखिए कितने अच्छे से ये एब्जॉर्ब कर रहा है और कितने अच्छे से इसने क्लीन कर दिया है. ओब्वियसली एक बार आपको फिर से पानी से साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर चींटी वगैरह आने का डर रहता है. बट कोई भी चीज़ अगर आप थोड़ी कहीं पे गिर जाता तो आप इसे आराम से जो है निकाल सकते हैं.
तो ये मैंने वाटर ड्रेन कर दिया है यहाँ से। सो गाइज, ये था इस प्रोडक्ट का पूरा अनबॉक्सिंग से लेके डेमो तक का प्रोसेस। आई होप अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना हो तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं। सो फॉर मी दिस इज एन वेरी गुड प्रोडक्ट, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए। ये 5 to 6 days में डिलीवर हो गया था यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू योर सिटी आपको ये मिनिमम 6 to 7 days में मिल जाएगा। सो मैं चाहूँगी कि जब मैंने इसे यूज़ किया तो मुझे कुछ बातें नोटिस में आई, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक और चीज़, जब मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया तो कुछ चीज़ें मेरी नोटिस में आई, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा डस्ट होते हैं, लाइक ज़्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं डस्ट के, तो आपको स्वीपिंग करना पहले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉपिंग किट है ये बड़े डस्ट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसके जो मॉप है वो पानी के दाग या फिर पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा डस्ट होते हैं, बड़े पार्टिकल्स है या फिर हेयर स्ट्रैंड्स इधर उधर पड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं आपके घर में किसी मेंबर के, तो आपको सबसे पहले स्वीपिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पूरे हेयर जो है एब्जॉर्ब नहीं करता है। मैंने ये नोटिस किया है कि ये 40% तक हेयर अपने मॉप में एब्जॉर्ब कर लेता है, बट पूरे हेयर नहीं एब्जॉर्ब करता है। तो या तो आपको बीच बीच में हैंड हाथ से उठाना पड़ेगा, या तो आप पहले अच्छे से झाड़ू लगा लें उसके बाद आप मॉप करेंगे। और सबसे अच्छी बात इस मॉपिंग किट की ये है कि ये पूरे नीचे तक चला जाता है, आपको कोई भी फर्नीचर खिसकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइक आपने डेमो में देख ही लिया होगा कि इस ये जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ डालूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो येस, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइज, टिल देन बाय।